अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज की मेरी ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंस की हामिल है और इस वीडियो का जो टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ स्पिड्रा इवानाफिल पिल जो है उसके फ़वाद कौन से हैं और ये किस अंदाज में जो है आपकी इरेक्शन मजबूत और तकड़ी रखती है। तो स्पिड्रा के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं मर्द हसरात में, और एक मेन स्टडी जो है जो स्पिड्रा के ऊपर की गई वो तकरीबन 3400 मर्द हसरात में की गई थी, जो मर्द हसरात इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सफ़र कर रहे थे। तो ये एक ऐसी स्टडी है जो ज़्यादा अमाउंट जो लोगों का है उनके अंदर जो है वो मर्द हसरात में की गई, और इन मर्द हसरात को स्पिड्रा के मुख्तलफ डोसेस दिए गए। किस मर्द को जो है वो 50 मिलीग्राम का डोज दिया गया, किसी को 100 मिलीग्राम का डोज रखा गया, किसी को 200 मिलीग्राम का डोज रखा गया, और कुछ मर्द हसरात ऐसे भी रखे गए जिनको प्लेसिबो दिया गया। तो जब रिजल्ट्स नोट किए गए तो उन स्टडीज़ के अंदर ये क्लियर कट जो है वो वाज़े हुआ कि जो मर्द हसरात जिनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की पोजीशन बहुत बिगड़ी हुई थी, खुसूसी तौर पर जो डायबिटिक भी थे या ऐसे मर्द हसरात जो प्रोस्टेट ग्लैंड के प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे थे, यानी कि ये प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया उसके अंदर सफ़र कर रहे थे, या कुछ मर्द हसरात ऐसे भी थे जिन्होंने प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी की हुई थी, या ऐसे कुछ मर्द हसरात थे जिनके अंदर जो है वो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम था। तो इन सब मर्द हसरात में स्पिड्रा के डोसेस जो है वो रखे गए, तो ये मेंशन हुआ कि स्पिड्रा की वजह से ऐसे मर्द हसरात की तकरीबन 70-80% जो अपनी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन थी उसमें जो है वो बेहतरी आ गई। इससे ये 100% मेंशन हुआ स्टडी के अंदर कि स्पिड्रा जो है वो अगर इस्तेमाल की जाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर या सेक्सुअल डिसफंक्शन के अंदर तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ड्रामेटिक रिजल्ट्स हैं। आदमी जो है वो सक्सेसफुल इंट्रावजाइनल इंटरकोर्स जो है वो कर सकता है, और उसमें स्पिड्रा की वजह से जो है वो सक्सेसफुल इंटरकोर्स करने वाली काबिलियत में बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इजाफा पैदा हो सकता है। स्पिड्रा जो है ये एक बड़ी इफ़ेक्टिव ड्रग है, और स्पिड्रा जो है वो ये एक लेटेस्ट मॉलिक्यूल है, और ये स्पिड्रा जो है वो एक जूनियर मॉलिक्यूल है एस कम्पेयर टू सिल्डेनाफिल वगैरह सियालिस। तो उस हवाले से स्पिड्रा के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ है जितना मार्केट के अंदर सिल्डेनाफिल या वायग्रा या सियालिस के ऊपर जो है वो ये काम हुआ है। तो स्पिड्रा जो है एज़ कम्पेयर टू वायग्रा, स्पिड्रा जो है वो सेम मॉलिक्यूल से बिलोंग करती है। सेम मॉलिक्यूल का ये मकसद होता है कि वही ग्रुप ऑफ मेडिकेशन है जो सिल्डेनाफिल का है, यानी PDE5 एंजाइम्स इनहिबिटर से ये भी बिलोंग करती है, और इसका जो वर्क है वो भी तकरीबन जो है वो वायग्रा की तरह है, जिस तरह के वायग्रा जो है वो 20 से आधे घंटे के अंदर अंदर अपना काम स्टार्ट करता है, तो बिल्कुल स्पिड्रा का काम भी इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि आपका जो वायग्रा है वो एब्जॉर्प्शन में जो टाइम लेता है वो आधा घंटा लेता है, और आपकी जो स्पिड्रा है ये इसके लिए 10 से 15 मिनट ही काफ़ी होते हैं, और 15 मिनट के अंदर अंदर इसका जो काम है वर्क जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्पिड्रा का वर्क जो है वो वायग्रा की बनस्पत जो है वो क्विकली है, और ये स्पिड्रा जो है वो आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, और ये स्पिड्रा जो है ये वायग्रा के हवाले से काम के हवाले से जो है वो तकड़ी है। स्पिड्रा जो है ये एक ऐसी प्रोडक्ट है
जो मिलियंस ऑफ पीपल आजकल जो है वो स्पेड्रा के ऊपर जा रहे हैं, ये इस हवाले से जा रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम हैं एज़ कम्पेयर टू अदर PDE5 इनजाइम्स इनहिबिटर्स, और उसके साथ साथ इसका जो फंक्शन है वो भी क्विक है, इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो भी क्विक है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी विद इन 2 to 3 hours जो हैं वो डिसअपियर होने वाले हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।